वाले तो ये बंगाला पढ़ने के लिए गए थे तो अधूरे वहाँ से वापस आए, अच्छा। इसलिए इनकी सिद्धि पूरी नहीं हो पाई, इसके कारण इनका दिमाग थोड़ा फ्री हो गया। तो आज खाने में बना है क्या बनाए? ये तो रोटी है भाई, देख लो घी कितना सारा लगा रखा है। अरे मेरे में मत डालो यार, दे दे वो देसी घी डाल दे दाल के अंदर। और ये वही है फली, और सबके पास वही है। मौसी सुबह सुबह कहाँ हो गई तुम? नीम करौली। कितने बजे निकल गई थी? 6 बजे। और हम उठे कब तक? सो के 9 बजे उठे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मेरा गांव में लास्ट डे है और मेरे को भाई यहाँ गांव में हूँ तो मेरे को वो दूध जरूर पीना था जो मैंने वहाँ पिया था अपने ससुराल में। तो मैंने पवन भैया से बोला है, जो कि मेरे मौसी के लड़के कजन ब्रदर, उनसे बोला है भैया मुझे वो दूध पीना है। और भाई लिटरली हमें ना काफ़ी देर से, मतलब उन्होंने 2-3 जगह कॉल करा तो एक जगह उन्होंने अरेंज करवाया है। तो अभी हम आ गए हैं गाँव उनके किसी रिलेटिव के यहाँ पे, देख रहे हो ये पूरा गाँव है, ठेठ गाँव है। और ये देखो भैंस वगैरह बंधी हुई है, तो ये भी उसी तरीके से पूरा गांव है। और वो लेने गए हैं दूध, अब देखते हैं भाई ला पाते हैं नहीं। तो यहाँ भी देखो भाई पूरा ये उसी तरीके से, नहीं प्रमोद उसी तरह पूरा गांव है। और यहाँ भी वैसे ही घर है सारे, बच्चे देख रहे हैं। अब चारा तो डाल इसमें काटने के लिए, हाँ उंगली लगा दे, उंगली लगा दे तो अपनी मन आए हैं। हमें ये सुबह सुबह का रखा हुआ है, हाँ सुबह को मतलब उठा रहा हूँ। अब हड़िया मैं लाए उठा के इनका, ये देखो मसाला पीसने वाला ये रखा हुआ, हर चीज वैसे। तो प्रमोद कैसा लगा भाई? बढ़िया था, बढ़िया था ना? थोड़ा सा गर्म और होता मजा आ जाता। और भैया तुमने पिया दूध? हम नहीं पिया। क्यों? हम पीते ही नहीं दूध। क्या बात कर रहे, गांव के उसलिए। तो तू एक तो ये चश्मा उतार ले, मेरे को हंसी आ रही है। तो पवन भैया ये वही जगह है ना यहाँ पे जो चावल वावल एक बार वो हो रहे थे, धान वगैरह निकलते थे नीचे, करना शीशा नीचे रुको, ये है ना वही है ना फैक्ट्री। तो यहाँ पे भाई अभी सीजन नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ना चावलों की जो चावल आते हैं ना उनको भूसे से अलग करा जाता है। तो ये चावल है यहाँ पे, चावल और भूसा दोनों है, और इस मशीन में जा रहे ये, और इस तरीके से भूसा उधर निकल रहा है और चावल इधर निकल रहा है। ये वही है, अगर मेरे पे वीडियो पड़ी होगी तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पौधा बनाया जा रहे चावल के, चावल के। हाँ ये देखो, ये देखो ये जो पौधे लगे हुए हैं ना ये पानी के अंदर, ये सारे चावल के पौधे हैं। देखिए अब जो मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे जो गांव है वहाँ के लोग बताते हैं कि इस बंदे ने जिंद की सेवा करी, जिंद होता है ठीक है, उसकी सेवा करी है और इसकी वो पूरी नहीं हो पाई थी। बंगाल में ये जादू सीखने गया था। तो इस वीडियो के अंदर देखना ये सच में कोई जादू मैजिक कर रहा है या फिर कोई हाथ की सफाई है जो कि ये वो कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा, वीडियो बनाई हमने, वीडियो शूट करी जितनी भी हमसे हो पाई, तो हमने उसमें देखा कि हाँ ये शायद कोई जादू कर रहा है। लेकिन जब मैं घर पे आया तो मुझे लगा कि ये शायद कोई हाथ की सफाई है, तो मेरे को पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं हो पा रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है 50% ये हो सकता है कि हो, मतलब मैजिक हो, क्योंकि गांव में भाई ऐसे लोग करते रहते हैं, और 50% मुझे लगता है हाथ की सफाई भी हो सकता है। लेकिन आप कमेंट करके बताना क्या एक्चुअल में क्या चीज़ आपको लगी इसमें, कि हाथ की सफाई या कोई मैजिक, ठीक है। आप पूरा वीडियो को देखना, आप वीडियो को रोक के भी देख लेना, एक एक पॉइंट देख लेना। अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाता हूँ मैं एक इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो भी तुम दिखा रहे हो वो तरीके से दिखाओ। तो ये जो भाई है ना ये पैसे निकालते हैं, अब ये थोड़ा सा देखते हैं इनसे बात करके। अब्बो हाँ इधर आओ, कहाँ से पैसे निकाल सकते हो? गंद नहीं करना, मतलब ये नहीं करना ठीक है, यहाँ अच्छे से और हाथ हाथ से नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ सही से दिखाना है। और हाथ में क्या है तुम्हारे? बिस्कुट, आप बिस्कुट खा लो ठीक है, 10 रुपये दे रहा है ये लड़का, लेकिन तरीके से दिखाना, हाथ की बिल्कुल खाली है कोई, क्योंकि देखो हम है ना वीडियो दिखाते हैं लोगों को, है ना। चलो तो डब्बू भाई हैं ये पैसे निकालते हैं, और ये इसने दिए 10 रुपये। हाँ अब हाथ खाली है तुम्हारा? वो वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ, नहीं दिखाओ तो एक बार तभी तो मैं मानूंगा खाली है। और इसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी तो दिखाओ एक बार। दोनों हाथ एक बार में खाली करके दिखाओ डब्बू भाई।
है कर देंगे खाली ये वाले पैसे अंकल को पकड़ा सकते हो है? ये तो अपनी जेब में डाल लो ये सारे पैसे ये सब गायब हुए हैं इलाहाबाद जाओ भाई दिखाओ दिखाओ ना कहाँ दिखा दे हाँ दिखाओ नहीं नहीं ना है दिखाए बंद ना हो गुरु मानता है एक बार दिखाओ तो हाथ दिखाने खाली करेंगे खाली हाथ दिखाओ खाली हाथ दिखाओ ये मैं रखूँ खाली हाथ तो दिखाओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये ले लिया हाथ में नहीं नहीं हाथ में अबे हवा में कैसे चले जाएंगे निकाली दोबारा अबे नहीं है दे हाँ सही है सही है सही है सही है सही है बिल्कुल सही है पैसा दिए तो अभी 10 रुपये चलो चलो लो दोबारा देता हूँ लेकिन प्रॉपर हाथ खाली करके दिखाना पड़ेगा रखना मेरे हाथ ये ले ले पैसे 10 रुपये ये रुको लड़का देगा अब दोनों हाथ खाली दिखाओ पहले ठीक है ये हाथ खाली है दोनों खाली हैं हाँ चल पैसे दे इसने दिए ये पैसे दोनों हाथ खाली है नहीं 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 इसके हाथ में से यहाँ से निकालो यहाँ से ये 10 का नोट जो हमारा है वो वाला है और बाकी ये नहीं आया था यार सही है ना सही में नहीं नहीं हाथ खाली दिखाओ पहले देखो हाथ खाली दिखाना पड़ेगा 10 रुपये और दूंगा हाथ खिला 10 रुपये और दूंगा ठीक है आंख लो मैंने मीच ली लेकिन हाथ खाली दिखाना पड़ेगा निकालने से पहले ठीक है अब हाथ हाथ खाली इधर वाला दिखाओ 10 का ही है ना हाथ दिखाओ ना एक बार ठीक है दोनों हाथ खाली है हाँ दोनों हाथ खाली हाँ ठीक है अब यहाँ से निकालो यहाँ से मेरे सर से निकालो सर से अब हाथ दिखाओ वो भाई ये तो था क्योंकि ये मैंने देखा हाथ साफ था और वीडियो में होगा अगर पता चल जाएगा पैसे हाथ में ही नहीं है गाय के इस वाली गाय के इसमें से निकलेंगे इस वाली में से इस वाले खम्बे में है खम्बे में इस वाले खम्बे में है एक एक इसमें से खम्बे में से खम्बे में से यहाँ खम्बे में से इसमें से ओ भाई भाई वीडियो के अंदर देखना कि कहाँ से पैसा है मेरे को तो हाथ बिल्कुल खाली दिखा था नहीं भाई ये सब भाई खड़े यहाँ पे देखते रहते हैं बिल्कुल हाथ खाली था और पैसे कहीं से भी जहाँ से बोलो वहाँ से पैसे निकल रहे थे तो ये भाई ऐसे थोड़ा सा मेंटेलिटी प्रॉब्लम है इनको है ना लेकिन बताते हैं इन पे क्या बोलते भैया उन्हें अच्छा सिद्धि पूरी नहीं हो पाई तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम होगी बाकी जितना भी कर पाए इन्होंने ये बंगाला पढ़ने के लिए गए थे तो अधूरे वहाँ से वापस आए अच्छा इनकी सिद्धि पूरी नहीं हो पाई इसके कारण इनका दिमाग थोड़ा फ्री हो गया अच्छा बाकी थोड़ा बहुत आता है इनको जादू वगैरह जैसे पैसे निकाले है ना जिंदगी पूरी इनकी मतलब औरत थी वो भी इनके घर में चली गई अच्छा जिंदगी सेवा है नहीं चलो भाई धन्यवाद मिलके अच्छा लगा आपसे ठीक है अगली बार आएंगे तो और लोगों को लेके आएंगे आपके पास ये कलाकारी देखने के लिए ठीक है क्या नाम है तुम्हारा डब्बू डब्बू सब पे डब्बू बोलते हैं वैसे नाम क्या है मिश्रा हो आप डब्बू तो अच्छा ब्राह्मण हो आप भी हम भी ब्राह्मण ही है हाँ सांडेल गोत्र है मेरा ठीक है तो बहुत अच्छा लगा मिलके किसी ने बताया था आपके बारे में ठीक है तो ये दिए ना 20 रुपये गए चलो खाने पीने के लिए कोई बात नहीं खाने पीने के लिए ये लो 50 रुपये और बस ठीक है अब आपने ये वीडियो देखी क्या समझ आता आपको इससे ये मैजिक है या हाँ तो ये कोई सफाई है अब देखो वहां तो मुझे ये लग रहा था मैजिक है और मुझे घर आके पता चला ये हाथ की कहीं ना कहीं सफाई है लेकिन ये 90% तो हाथ की सफाई है 10% बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा करा हो मैजिक कर लिया हो
मतलब मैं वी आर कन्फ्यूज हूँ सही बताऊँ तो, क्योंकि मुझे जब मैंने लास्ट में पैसे दिए थे, आपने देखा लास्ट वाली वीडियो में जब उनको खाने के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने बोला मेरे को खाने के लिए पैसे चाहिए, मैं काम नहीं हूँ, खा पी लेते तो ये दिए ना 20 रुपए काम में गए गए उससे पहले उन्होंने सिक्कों को मेरे से बात करते करते उन्होंने सिक्कों को करा था इकट्ठा और यहाँ पे लगाया, ठीक है, वीडियो के अंदर साफ पता चल रहा है, और यहाँ दबा के कमर में रख लिया, और उसके बाद ये कंफ्यूज करने के लिए इस हाथ से क्या करा, यहाँ पे रखा और इसको ऐसे दबा के और सर पे रख लिया, ठीक है, अगली बार आएंगे तो और लोगों को लेके आएंगे आपके पास ये कलाकारी देखने के लिए। तो उससे क्या हुआ, मैं कंफ्यूज था कि पैसा जो है वो इस हैंड में है ना, इस वाले हाथ में, और लेकिन एक्चुअल में पैसा था इस वाले हाथ में, तो क्योंकि उन्होंने बोला था वो तो गए पैसे, ये ऐसे करके दिखा दिया। तो हमने काफी स्ट्रीट मैजिशियंस को भी देखा है और काफी लोगों ने एक्सपोज किया इस चीज को, ये हाथ की सफाई होती है, मैजिक नहीं होता है ना, और होता भी होगा तो इसके पीछे बहुत ट्रिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी मैं भाई कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज पे कि मैजिक है या क्या है, क्योंकि कई जगह मैंने देखा हाथ साफ भी थे, दोनों हाथ ऐसे भी दिखाई थे उसने, पैसे हाथ में ही नहीं है, गाय के इस वाली गाय के इसमें से निकलेंगे इस वाली, ठीक है, लेकिन वहां पे पैसे आ गए, ठीक है। और एक दो जगह मैंने नोट करा जब वीडियो देखी मैंने, तो उसमें हाथ में फंसा रखे थे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं सच। तो अब निकल रहे हैं हम घर के लिए और मौसी हो गए हैं गुस्सा, कह रहे हैं आज मत जा, मैंने कहा नहीं मौसी जाना है मुझे कंटेंट बनाना है, डेली व्लॉग्स बनाने हैं, तो मौसी हो गए गुस्सा और मेरे से बात नहीं कर रही, अब देखता हूँ क्या रिएक्शन होगा। मौसी चलो फिर, खाना कौन खाएगा लास्ट में, भूख लगेगी तुम्हें, भूख लगेगी मुझे पता नहीं। अरे तो लास्ट में खा लेंगे, बहुत होटल है, ठीक है, जाओ जाओ जाओ, अब कहाँ खाना बनेगा इतने दिन, जाओ हो गए गुस्सा, आओ घर पे, तो मौसी की मर्जी से जाओ, नहीं तो गुस्सा। अब पापा की ना मौसी है, पापा मौसी बोलते हैं, ठीक है, और आपको क्या बोलना है, अम्मा जी, क्या बोलना है, अम्मा जी, ओके। तो अक्कू है ना कह रही थी कि मौसी नहीं है वो अम्मा है, फिर मैंने इसको बताया नहीं वो मेरी तो मौसी है और तुम्हारी अम्मा है। अभी आ गया हूँ मैं घर पे और रात के बज रहे हैं 2, और पीछे देख रहा हूँ प्रमोद निकाल रहा है सामान, और मैं भी अभी घर में होके आ गया हूँ, मम्मी पापा के पैर छुके और मुँह हाथ धो के मैं भी आ गया हूँ, मैं कैमरा निकालने आया था तो मैंने कहा वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों, क्योंकि इस पे ऐसे कंटेंट डेली डेली आते रहेंगे, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कहते हैं ना हाँ भाई जादू है ये है वो, उनके साथ शेयर करके उनसे पूछना कि भाई इसमें क्या था, और वो आपको बताएंगे असली वजह, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मानते, देखा था आपने उसमें वीडियो में मैंने कितने बड़े बड़े लोगों से पूछा भाई क्या है क्या है, सबने बोला जादू है, चलो कोई नहीं वो एक बुजुर्ग आदमी है, वो अपने ट्रिक से पैसे कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, ठीक है, उनका घर चल रहा है या वो अपना घर चला रहे, जैसे भी है एक्सपायर्ड, किसी से पैसा छीन नहीं रहे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी कला को दिखा रहे हैं और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा मत करना जाके भाई जो जैथरा से मुझे देख रहे हैं, जो मेरे गांव से मुझे देख रहे हैं, कहीं ऐसा मत करना जाके उसके साथ, मतलब उनको ऐसे कुछ हेट करो आप या उनको कोई गलत चीज बोलो, देखो भाई कोई भी पेट के लिए करता है, ठीक है, वो मेरे को अच्छा ये लगा कि उन्होंने ट्रिक दिखाई जो हमें भी समझ नहीं आई, वो तो हमें वीडियो के जरिए समझ में आई, तो उन्होंने एक ट्रिक दिखाई और उसके बाद में उन्होंने पैसे चार्ज करे उसके, और ये जायज है, कोई नाजायज नहीं है, बस बाकी ये है कि ये मैंने एक्सपोज कर दी एक तरीके से हर चीज, तो इसमें ये रह जाएगा जो लोग देखेंगे उनको ये काला जादू वगैरह से थोड़ा सा हट जाएगा, है ना। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो क्या रियल है और क्या नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ी आने वाली है क्योंकि तुम्हारा भाई आ गया दिल्ली। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है, भगवान वेट करता है ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा, घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है, जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता।